हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। एडमिशन और पार्टनर के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन में। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 रिस्पेक्टिवली, बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया है। बैलेंस शीट में देखोगे स्टूडेंट क्रेडिटर्स है, कैपिटल देखोगे, कैपिटल में आपको विक्रम और प्रज्ञा दिया है। एसेट्स में जाओगे तो कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है। दे एग्री टू एडमिट अवानी एज अ पार्टनर 1 अप्रैल को हम लोग ने एडमिट किया है। अवानी सेल हैव 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो आने वाला पार्टनर्स है उसको हम लोग प्रॉफिट में कितना शेयर्स देने वाले हैं, 1/4। ही सेल ब्रिंग 37,500 एज अ कैपिटल एंड 30,000 एज ही शेयर्स ऑफ गुडविल। स्टूडेंट थेरी के टाइम बताया, एडमिशन किसी को करने का मेन पर्पज ही होता है बिजनेस नीड द फंड, एग्जिस्टिंग बिजनेस को फंड की जरूरत होती है। और उसी समय मैंने आपको समझाया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को फंड की जरूरत है, आने वाला पर्सन को फंड तो लाना है और फंड के साथ साथ आने वाले पर्सन को गुडविल का भी पैसा क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लाना पड़ेगा। क्योंकि गुडविल उस समय का प्रॉफिट है जो पास्ट या एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपनी मेहनत से बनाया है। उन्होंने दिन रात एक करके ये अपने बिजनेस के लिए एक गुडविल क्रिएट किया है मार्केट में, और आने वाले पर्सन को एडमिट करने के साथ ही उस पर्सन का भी उस एसेट्स के ऊपर राइट्स हो जाएगा। इन शॉर्ट होगा ऐसा कि बिना मेहनत के ही उसको गुडविल मिल जाएगा, तो ये तो एक तरह से गलत होगा, इंसाफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना गुडविल न्यू पार्टनर को एग्जिस्टिंग बिजनेस से मिलने वाला है उतना एज अ कैश उनको बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और जिस पार्टनर ने जितना दिया है उनको, वो उसमें से जो न्यू पार्टनर लेकर आएगा उसमें से उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स गुडविल कैश में है। मैंने बताया ना कि स्टूडेंट आप इजिली कैसे पहचानोगे, विड्रॉ लिखा है, रिटेंड लिखा है, इसका मतलब गुडविल इन कैश। रेज लिखा है, राइट ऑफ लिखा है, नॉट इन कैश। तो यहां पर स्टूडेंट नॉट इन कैश कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा क्या है, ही सेल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज गुडविल। मतलब ही सेल ब्रिंग ये जो वर्ड्स है वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए है। तो इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि गुडविल यहां पर कैसे है, तो गुडविल यहां पर है इन कैश, गुडविल यहां पर इन कैश में है। चलो, देन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 45,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग को मार्किंग कर लो स्टूडेंट, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग को मार्किंग कर लिया। फर्नीचर को मार्किंग कर लो स्टूडेंट, फर्नीचर्स को मार्किंग कर लिया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल लेफ्ट 5%। डेटर्स को मार्किंग कर लो स्टूडेंट, डेटर्स को मार्किंग किया। स्टॉक, अब यहाँ पर स्टॉक को भी स्टूडेंट क्या कर लो, आप मार्किंग कर लो। अब जिसको आपने मार्किंग किया ये सारा आइटम्स हम लोग इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑल कैपिटल, सॉरी द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। इसने क्या बताया कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे, तो स्टूडेंट उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ एडजस्ट करेंगे। एंड एक्सेस ऑफ अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन, और जो भी यहाँ पर अमाउंट एक्सेस होगा, जितना लाना चाहिए उससे ज्यादा उसने ला दिया, तो उस पैसे को हम बिजनेस में एज अ लोन क्या करेंगे, शो करेंगे। ये ओके स्टूडेंट। तो ये जो लास्ट वन एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसके अंदर हम लोगों को स्टूडेंट करना क्या है, तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, और न्यू प्रॉफिट रेशियो फाइंड करके हम सारे पार्टनर को कंपेयर करेंगे न्यू पार्टनर के रेशियो और उसके कैपिटल के साथ में। आने वाला पार्टनर जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल लेकर आएगा, उसी कैपिटल में बाकी लोगों का भी अमाउंट इस बिजनेस के अंदर कैपिटल का होना चाहिए। ये ओके स्टूडेंट।
तो चलो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में क्या क्या हम ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा, डिसोल्यूशन में बिजनेस को हम बंद कर रहे थे तो हम अपने एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे थे, वहां पर रियलाइजेशन बनाया। यहां पर स्टूडेंट एडमिशन है, एडमिशन न्यू पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिवाइज वैल्यू फाइंड करेगा कि पहले सो एंड सो वैल्यू था, आज ये वैल्यू है। तो यहां पर स्टूडेंट एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक रिवैल्यूएशन बनेगा स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, कैश बैंक बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ये चार ही लेजर्स यहां पर आपको स्टूडेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रहा था स्टूडेंट, क्योंकि हम फर्म को ही डिसॉल्व कर रहे थे, परमानेंटली हमारा बिजनेस क्या कर रहे थे, बंद। तो परमानेंटली बिजनेस बंद करेंगे, हम सारा एसेट सोल्ड कर देंगे, सारा लाइबिलिटी पेड कर देंगे, बैलेंस शीट में लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यहां पर तो हम एडमिट कर रहे हैं, किसी को एडमिट कर रहे हैं, हमारे पास कोई आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कुछ ना कुछ, वो एसेट्स लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, यहां बैलेंस शीट रहेगा, ये बिजनेस कंटिन्यू है, ये बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तो कंटिन्यू बिजनेस है तो डेफिनेटली उसके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटी रहेगा। तो ये रीजन है कि यहां पर बैलेंस शीट स्टूडेंट बनेगा। अब एक बार मैं फास्ट फिर से रिपीट कर दूं कि हम लोगों को फोर लेजर ड्रॉ करना है। एक मैंने बताया रिवैल्यूएशन, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूं, दूसरा मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बताया कैश बैंक एंड लास्ट में बोल रहा हूं बैलेंस शीट, यहां पर स्टूडेंट बनेगा। ये ओके आफ्टर द क्वेश्चन। देखो ये मैंने फोर लेजर्स ड्रॉ कर दिया है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही फोर लेजर्स आपको ऑलवेज ड्रॉ करना है, आपका बैलेंस शीट फाइनली टैली होना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका ये है स्टूडेंट कि आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, एडजस्टमेंट को रीड करोगे फाइनल अकाउंट की तरह, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे उनको आप मार्किंग करोगे। मार्किंग इसलिए कि उस अमाउंट के साथ कुछ तो प्लस माइनस करना बाकी है, वो एसेट्स और लाइबिलिटी अप्स एंड डाउन हुए हैं तो उनको आपको कहां लिखना है, इनर कॉलम में। देन आप लेजर ड्रॉ करोगे, लेजर ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट यू स्टार्ट द पोस्टिंग, आप पोस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, लाइबिलिटी साइड लो, एसेट साइड लो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिस्पेक्टिव अमाउंट को उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पर क्या करोगे स्टूडेंट, आप लिखोगे। अब लाइबिलिटी करते समय ध्यान में रखना, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस और एसेट्स इज अ डेबिट बैलेंस। पोस्टिंग के बाद स्टूडेंट्स आप एक एक एडजस्टमेंट को रीड करते जाओगे और कंप्लीट करते जाओगे। एडजस्टमेंट रीड करते समय अगर एकदम सिंपल ध्यान में रखना है तो इतना ध्यान में रखना कि किसी भी एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। ये जो मैं बार बार आपको रिवैल्यूएशन बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। कौन सा लेजर से आपका एक्चुअल में आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। ये ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का रीडिंग ऑलरेडी मैंने फिनिश किया था, मार्किंग हम लोगों ने कर लिया था, मैंने लेजर ड्रॉ किया, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, पोस्टिंग करते हैं। अब मैं पोस्टिंग करूं स्टूडेंट तो मेरे पास लिखा है क्रेडिटर्स 1,05,000। अब स्टूडेंट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड है तो लाइबिलिटी में आएगा स्टूडेंट। ऊपर अब 3-4 लाइन स्किप कर देना कैपिटल को लिखने के लिए, कैपिटल हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं ना, तो कैपिटल लिखने के लिए। देन मैंने लिखा क्रेडिटर्स और डायरेक्टली आउटर में लिख रहा हूं स्टूडेंट 1,05,000। देन कैपिटल है स्टूडेंट, अब भी कैपिटल के लेजर्स में चले जाओ, कैपिटल के लेजर में चले जाओ, विकास और प्रज्ञा का कैपिटल दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज 75। न्यू पार्टनर्स तो भी आना बाकी है, कैपिटल लेकर आएगा तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे। नाउ सी द एसेट साइड स्टूडेंट, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। अब एसेट्स में स्टूडेंट्स वी हैव द कैश, देखो ना हमारे पास कैश का लेजर है, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, तो अभी हम लोग भी कैश में चले गए और जाके लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस कैश इज 7,500। देन स्टूडेंट लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग के साथ स्टूडेंट एडजस्टमेंट है इनर में 37,500 इनर। देन स्टूडेंट प्लांट एसेट्स है, स्टूडेंट प्लांट के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर 45। देन स्टूडेंट वी हैव द फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट्स इनर। देन स्टॉक, स्टॉक इज ऑल्सो एसेट्स इनर। एंड लास्ट वन इज द स्टूडेंट डेटर्स एसेट्स इनर। ये ओके स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज हाँ बोलो। यस, तो यहां तक का एंट्री देखो स्टूडेंट्स, यहां तक का पोस्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट कि न्यू पार्टनर अवनी को 1/4 शेयर्स मिलेगा। ही सेल ब्रिंग 37,500 कैपिटल एंड 30,000 रुपीज उसने किस चीज का लाया स्टूडेंट, गुडविल का लाया। अब स्टूडेंट्स पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, पार्टनर्स क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएगा स्टूडेंट तो क्या देखो उसका एंट्री हो जाएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएगा तो बिजनेस में क्या आने वाला है, कैश। तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, कितना 37,500 और ये भी आपके लिए 37,500 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो 37,500 आपके लिए उसने कैपिटल लाया। का एंट्री आपने किया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एक एंट्री आप कहां पे करोगे स्टूडेंट, कैश और बैंक में। कैश और बैंक में लिखोगे ए का कैपिटल, ए नहीं लिखकर उसका पूरा स्पेलिंग हम लोगों ने लिखना चाहिए था। एक सेकेंड स्टूडेंट, नहीं तो स्टूडेंट ढूंढने लगेगा कि ए कहां लिखा हुआ। तो यहां पर जो न्यू पार्टनर से इसने कैपिटल आया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अविन अवेनी, तो टू अवेनी। कैपिटल 37,500। पार्टनर्स में चले जाओ स्टूडेंट, पार्टनर में कैश एंड बैंक, न्यू पार्टनर्स में चले जाओ 37,500। ये ओके। सेम टाइम स्टूडेंट इसने गुडविल लाया, गुडविल लाया। अब स्टूडेंट इसने गुडविल लाया, गुडविल यहां पर किसमें है स्टूडेंट, कैश में है। तो गुडविल कैश में है तो एक तो एंट्री किसका हो जाएगा, कैश का हो जाएगा। कैश में इसने गुडविल आया तो एक एंट्री जो गुडविल आया उसका एंट्री हो जाएगा, गुडविल इन कैश का। अब गुडविल कैश में आया, एंट्री कैश में आया तो क्या एंट्री होगा स्टूडेंट, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश रियल कम्स इन डेबिट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गुडविल। कितना लाया इसने 30,000 रुपीस, ए 30,000, ए 30,000। एक ये एंट्री करेंगे, दूसरा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग गुडविल को पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। यहां तो गुडविल सिर्फ आया है ना, इस गुडविल पे राइट्स किसका है, पार्टनर का। तो एक एंट्री हम लोग करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूं वी और क्या है पी। अमाउंट कितना है स्टूडेंट, 30,000।
गुडविल कितना है स्टूडेंट 30,000, रेशियो क्या है 2:3, तो ये जो गुडविल है स्टूडेंट वो 2:3 में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब 30,000 रुपीस है स्टूडेंट, 30,000 2:3 5, तो 30,000 को स्टूडेंट हम लोग 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, एक बार 2 से मल्टीप्लाई और एक बार 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6,000 × 2 और ये हो जाएगा 6,000 × 3। तो हम लोगों ने गुडविल का 2 एंट्री कर दिया स्टूडेंट, एक हम लोग ने एंट्री किया गुडविल इन कैश और दूसरा हम लोग ने गुडविल को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। तो एज यूजुअल इसका हम लोग पोस्टिंग करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा एंट्री था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो हम लोग कैश और बैंक में लिखते हैं टू गुडविल 30,000। दूसरा एंट्री होना चाहिए स्टूडेंट गुडविल में, लेकिन गुडविल का लेजर तो है नहीं आपके पास, तो गुडविल में हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री क्या किया स्टूडेंट हम लोग ने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, अब फिर से गुडविल नहीं है, और गुडविल होता तो गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट अपने आप और टैली हो जाता, तो नेक्स्ट एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, तो पार्टनर्स में मैं लिखूंगा बाय गुडविल, एक का अमाउंट आपने देखा था 12 और एक का आपने देखा कितना था 18 था, ये ओके स्टूडेंट। अगर यहां से जाते हो स्टूडेंट तो नेक्स्ट लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग देखो स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 था, अब वो बोल रहा है कि जब इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू रिवाइज किया नया वैल्यू निकाला तो लैंड एंड बिल्डिंग के न्यू वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 45,000 रुपीज हो गया। मैंने बताया ना स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका एसेट्स कम हो रहा है कि ज्यादा, या फिर इस तरीके से सोचो एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एडजस्टमेंट के कारण लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट, तो यहां तो इस एडजस्टमेंट के कारण स्टूडेंट हम लोग बोले तो एक तरह से हम लोगों को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इस एडजस्टमेंट के कारण हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग इसको आप करोगे प्लस इंक्रीज अब हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 से इंक्रीज हो गया, हमारे लिए क्या स्टूडेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन का क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का प्रॉफिट हुआ 7,500। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू 10% से क्या हो गया कम, बार बार मैंने डेप्रिशिएशन का मतलब बताया ना स्टूडेंट, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, 3,000 का फर्नीचर था 10% कम हो गया तो फर्नीचर कितने का बचा 2,700 का, 3,000 का फर्नीचर 2,700 हुआ तो 300 का हमको क्या हो गया स्टूडेंट लॉस हो गया, तो लॉस कहां लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग रिवैल्यूएशन में, और यहां लिखेंगे फर्नीचर, कितने का लॉस हुआ स्टूडेंट आपको तो 300 रुपीस का लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, अब देखो स्टूडेंट हम लोगों को बुक्स में दिख रहा है कि डेटर से 87,000 रुपीस लेना है, लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट रीड किया तो एडजस्टमेंट ने बताया कि नहीं 5% का आप प्रोविजन करके चलो, शायद 5% का आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, तो 87,000 के ऊपर स्टूडेंट 5% 4,350 कितना हो गया स्टूडेंट 4,350 अब 4,350 हम लोग ने माइनस किया स्टूडेंट तो हमको भी डेटर से कितना लेना है 82,650 अब 4,350 का हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं जो एक तरह से हमारे लिए क्या है स्टूडेंट लॉस RDD लॉस कहां पर स्टूडेंट डेबिट साइड में 4,350 स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500 स्टॉक देखो स्टूडेंट स्टॉक 72 था
72 का स्टॉक स्टूडेंट हो गया 82,500, 82,500 स्टॉक था कितने का, 75 का, तो 7,500 से स्टूडेंट स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। अब इंक्रीज हुआ स्टूडेंट तो वंस अगेन हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड स्टॉक 7,500, ये ओके। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, इसको जरा प्लीज आप समझ लो, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये एडजस्टमेंट आप समझ लो। अब देखो इस एडजस्टमेंट को मैं यहां पर करता हूं, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ये ओके। चलो देखो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसमें पार्टनर्स ने पैसा लाया था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अभी आप किसी न्यू पर्सन को लेने जा रहे हो, अब न्यू पर्सन एक्स वाई जेड कोई अमाउंट लेकर आएगा और उस अमाउंट के प्रपोर्शन में, रेशियो में हम लोग उसको अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ रेशियो देंगे। तो ये एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि जो न्यू पर्सन आएगा जिस रेशियो में वो कैपिटल लाएगा बाकी सारे लोगों का भी कैपिटल उसी रेशियो में रहेगा, और वही ट्रूथ है, वही होता भी है ना स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि सपोज हमारा जो पहले का ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है उसमें ए है बी है, ए को सपोज 3 रेशियो है, बी को 2 रेशियो है, इसने 3 लाख रुपीज लाया था बिजनेस में, इसने 2 लाख रुपीज लाया था। तो अगर आज मैं सी को एडमिट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो आप यहां देख रहे हो कि 1 रेशियो के लिए 1 लाख लाना है, ये ए का 3 रेशियो था इसके लिए 3 लाया था, बी का 2 रेशियो था इसके लिए 2 लाख लाया था। अब अगर सी को 1 रेशियो हम दें तो सी ने 1 लाख लाना चाहिए, लेकिन अब होगा यहां पर क्या, या कभी कभी होता क्या है, जैसे कि बिजनेस को ज्यादा फंड की जरूरत है तो हम रेशो तो दे रहे हैं बी को, एक एग्जांपल हम लोग इसको 2 रेशियो दे रहे हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि भाई आप 5 लाख रुपीज लेकर आओ, आप कितना लेकर आओ, 5 लाख। तो इन शॉर्ट हुआ क्या है कि इसने अपने रेशो के कंपेयर में पैसे ज्यादा लाए हैं, अगर मैं इन लोगों से कंपेयर करूं तो रेशियो के कंपेयर में इसने पैसा क्या किया, ज्यादा। तो इसी को हमको एडजस्ट करना है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये 2 रेशियो के लिए 5 लाख ला रहा है और बी को भी 2 रेशियो चाहिए, तो बी को भी 2 रेशियो के लिए कितना लाना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज लाना पड़ेगा। सी को पहले 3 रेशो था, 3 लाख के लिए उसने कितना लाया था, 3 लाख। तो अगर ये इस बिजनेस में 3 रेशो चाहता है तो जब 2 रेशो के लिए 5 लाख है तो डेफिनेटली 3 रेशो के लिए इसको और 2.5 क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल का रेशो, या आप जो यहां पर लिखा हुआ है उसने काफी क्लियर आपको लिख कर दे दिया है कि द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
कि जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ एडजस्ट करो, और अगर किसी का पैसा ज्यादा है तो उसके पैसे को आप बिजनेस में क्या दिखा दो, एज अ लोन। अगर स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो क्वेश्चन यहां पर फिनिश। मैं स्टूडेंट्स यहां पर रिवैल्यूएशन को क्लोज करता, प्रॉफिट एंड लॉस होता, पार्टनर्स को जाता, पार्टनर्स को क्लोज करके मैं लायबिलिटी साइड में लिखता और कैश एंड बैंक को क्लोज करता, एसेट्स में लिखता, हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाता, टैली। तो जब कभी भी ये एडजस्टमेंट पूछेगा ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। चलो तो पहले न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो एक तरह से हम एजम्पशन करते हैं कि न्यू पार्टनर के आने से पहले इस बिजनेस को ना स्टूडेंट 1 रुपीज का प्रॉफिट था, और नए वाले को हम लोग कितना देने जा रहे हैं, 1/4। तो अब कितना बचेगा, 3/4, ये हमारा बचा बैलेंस। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो, ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम लोग देखते हैं वी विक्रम का बैलेंस 3/4। ओल्ड रेशियो क्या है स्टूडेंट, 2:3। 2:3 का मतलब हो गया 2/5, तो ये हो गया 6, ये 20। देन प्रज्ञा क्या, बैलेंस कितना, 3/4। ओल्ड रेशियो क्या है उसका, 3/5, ये हो गया 9, ये हो गया 20। वी इसका 1/4। लेकिन आप जब भी देखते हो कि हम लोग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करते हैं, उनका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है, इक्वल। तो यहां पे 6:20 है, 9:20 है, तो यहां पर इनका भी कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 20 होना चाहिए। तो मैं किसी ऐसे टेबल से इंटू करूं कि जिससे वो क्या हो जाए स्टूडेंट, 20 हो जाए। तो किस टेबल से मुझे इंटू करना चाहिए स्टूडेंट, तो मुझे अप्स एंड डाउन 5 से इंटू करना चाहिए, तो हो गया 5/20। तो अगर न्यू रेशियो देखोगे स्टूडेंट, न्यू रेशियो देखोगे स्टूडेंट, तो न्यू रेशियो आपको मिलेगा 6, 9 एंड 5। तो इसमें आप देखोगे स्टूडेंट, जो न्यू पार्टनर्स है उसका रेशियो कितना है स्टूडेंट, 5। तो हमको अब यहां पे करना क्या है, बाकी सारे पार्टनर्स को भी ना उसी रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अब जैसे अगर हम विक्रम का कैपिटल, विक्रम का कैपिटल फाइंड करना है, तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, सबको न्यू से कंपेयर करना है, रेशियो कैपिटल। अब न्यू पार्टनर को हम 5 रेशियो दे रहे हैं, और 5 रेशियो के लिए उसने लाया कितना है, 37,500। तो विक्रम बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो 6 रेशियो चाहिए, तो 6 रेशियो के लिए उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, देखोगे आपको मिलेगा 45,000। मतलब विक्रम को अगर 6 रेशियो चाहिए तो स्टूडेंट उसको कितना लाना पड़ेगा, 45,000 रुपीज उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस बिजनेस में लेकर आना पड़ेगा। विक्रम के बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो है प्रज्ञा। मैंने बताया सबको कंपेयर किससे करना है, न्यू से। फाइव रेशो के लिए 37,500, तो प्रज्ञा को स्टूडेंट 9 रेशियो चाहिए, 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो स्टूडेंट,
इनको 9 रेशो चाहिए, तो 9 इंटू 37,500 डिवाइड बाय 5, तो 9 से करोगे स्टूडेंट तो आ गया 67,500। आज जो थर्ड न्यू पर्सन है उसको 5 रेशो, और 5 रेशो के लिए तो उसने कितना पैसा लाना चाहिए ये तो ऑलरेडी लिखा ही है, तो यहां पर कोई इशू नहीं है। थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके स्टूडेंट, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। नॉर्मल क्वेश्चन में हमको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अभी आप खुद देखो स्टूडेंट की कैपिटल कहां आता है, उसके उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आप देखोगे स्टूडेंट कि कैपिटल हम लोग कहां लिखते हैं, तो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है 2 बैलेंस कैरी डाउन 45,000, इसका आ गया 67,500 और इसका तो हमको मालूम ही है 37,500। कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल या जो फाइनल कैपिटल होता है वो कहां पे लिखा जाता है, लाइबिलिटी। फाइनल अकाउंट ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ए कैपिटल बी पी ए थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ये सबको प्लस कर दो स्टूडेंट, 1,50,000 ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन के बाद आप काफी अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे। ओके चलो, नाउ वी क्लोज द लेजर्स। जैसे हमेशा लेजर क्लोज किया जाता है डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल स्टूडेंट, उसी तरीके से अब हम लोग लेजर को क्लोज करेंगे। 7,500 आप देखोगे क्रेडिट साइड में वी हैव द 15,000 आप अपने डेबिट साइड को, ये आपका 15 डेबिट साइड में है 300 माइनस कर दिया 4,350 माइनस, तो 10,350 का स्टूडेंट हमको प्रॉफिट हो गया, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को 10,350। ये जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा स्टूडेंट, ये ओल्ड पार्टनर्स लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर तो आज आया है ना रे, ये जो बिजनेस हम शट डाउन कर रहे हैं ये तो हम ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस को, बिजनेस इन द सेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसमें न्यू पार्टनर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां पर टू प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, एक इसमें पार्टनर वी एक पी, रेशो था स्टूडेंट 2:3, तो 10,350 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट 5 से इंटू 2 4,140 और स्टूडेंट 3 से आप कर दो 3 कितना आ गया स्टूडेंट 6,210 ओके स्टूडेंट। तो यहां देखोगे रिवैल्यूएशन में स्टूडेंट डेबिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,140। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि तीनों पार्टनर को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तीनों पार्टनर का इस प्रॉफिट पे राइट्स ही नहीं है, इस प्रॉफिट पे राइट्स किसका है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। ये रीजन है कि सिर्फ कहां पे डिवाइड हो रहा है या कहां पे जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये ओके चलो,
अब मैं बार बार समझाऊं स्टूडेंट की, अगर ये एडजस्टेड कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो यही हमको इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर मिलता, लेकिन आपको ये दिया है और सामने उन्होंने बोला है कि बैलेंसिंग फिगर आपको किससे एडजस्ट करना है स्टूडेंट, तो आपको बैलेंसिंग फिगर कैपिटल नहीं लोन से यहां पर क्या करना है, एडजस्ट करना है लोन से। जो एक्सेस पैसा रहेगा वो समझो कि इन्होंने आपको लोन दिया, तो ए 75 12 4140 91, ये हो गया स्टूडेंट 91 141 माइनस 45 46 46 140, ए बैलेंस आया, ये हो जाएगा स्टूडेंट लोन। सेम फॉर सेकेंड वन स्टूडेंट 75 18 6210, तो ये है स्टूडेंट 99 99 210 99 210 माइनस 67 500, 31 31, ये स्टूडेंट्स पार्टनर्स का लोन हो गया। अभी आप खुद ही सोचो ना कि लोन कहां पे जाना चाहिए, तो लोन लायबिलिटी में जाना चाहिए, ये ओके। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया, आप क्रेडिटर्स को थोड़ा नीचे लिखना और कैपिटल के बाद लोन लिखना आप पसंद करना, ये ज्यादा अच्छा होता है। वी और पी का क्या है स्टूडेंट, लोन है, ये है 46 140, 31 710, 31 710, 46 140, ये लोन हो गया स्टूडेंट पार्टनर्स लोगों का 77850, ये ओके। अब इसी तरीके स्टूडेंट्स आप कैश और बैंक को क्लोज करो, कैश बैंक इज एसेट्स, आप एसेट्स में लिख दोगे जो बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा स्टूडेंट। तो एसेट कैश में 7500, 37500 एंड स्टूडेंट 30000 विच इज 75, तो कैश एंड बैंक स्टूडेंट, ये आपका 75 75 75, ये ओके। ये आपका कैश बैंक 75, ओके स्टूडेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चंस हो गया स्टूडेंट। बैलेंस शीट का टोटल करोगे आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, तो आप देखोगे स्टूडेंट कि इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर अगर इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो देखना एक दो क्वेश्चंस के बाद आप काफी ज्यादा कंफर्ट हो जाओगे। अगर मैं फिर से फास्ट रिपीट्स करूं तो मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट इसके अंदर क्या क्या बनने वाला है, आप बहड मत करो, आप ये सोच के चलो कि यहां पर न्यू पर्सन को एडमिट कर रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर पहले अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू फाइंड करेगा, इसके लिए एक रिवैल्यूएशन बना जिसको मैं बार बार प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलता हूं। पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा, कैश बैंक एंड लास्ट वन इज द बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट की तरह स्टूडेंट क्वेश्चंस को रीड करेंगे, एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करेंगे एंड वी ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव प्लेस। लायबिलिटी साइड में देखा स्टूडेंट्स आपको क्रेडिटर्स लोन वगैरह मिलेगा, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी का आइटम है, लायबिलिटी को जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को चला जाएगा, जनरल रिजर्व रिजर्व फंड अगर इस तरीके का कुछ है तो डिसोल्यूशन में भी आपने देखा होगा इस पैसे पर राइट्स किसका, पार्टनर का, वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। एसेट्स को जाओगे, एसेट्स मोस्टली सारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, एक कैश और बैंक है वो कैश एंड बैंक में चला जाएगा। देन एडजस्टमेंट करते समय काफी सिंपल ध्यान में रखने का, अगर एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और एडजस्टमेंट के कारण लॉस हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट। जैसे इस क्वेश्चन में आया था एडजस्टेड कैपिटल, अगर वो आ गया स्टूडेंट
तो मैंने सिंपल बताया ना कि यहां पर वो बोल क्या रहा है, यहां पर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर नहीं फाइंड करना है। ये क्या बोल रहा है कि न्यू पार्टनर जिस रेशियो में कैपिटल लाएगा उसी रेशियो में बाकी लोग भी कैपिटल लेकर आएंगे, और वो बोलना ट्रुथ भी है, उसी तरीके से होता भी है। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है बैलेंस इनटू ओल्ड। बैलेंस कैसे मिलेगा, सपोज हमारे पास पहले 1 रुपीज था, आने वाला एक पर्सन जिसको मैंने 1/4 दे दिया, अरे तो 1 रुपीज में से 1/4 दे दिया तो बैलेंस लोगों के लिए कितना बचा, 3/4। अब वो 3/4 में उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से पहले उनका रेशियो था, तो बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो। तो ये हम लोगों को मालूम पड़ा रेशियो। अब यहां पर इश्यू ये हुआ कि जो न्यू पार्टनर है उसका 1/4 शेयर है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, तो मैंने 5 से इंटू किया। 5 से जब मैंने नीचे इंटू किया तो ऊपर भी मैंने इंटू किया, तो वंस अगेंस्ट 5 नीली हो गया, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा स्टूडेंट कोई, जितना मैंने ऊपर अप्स किया उतना ही नीचे अप्स किया हुआ है। तो यहां पर रेशियो हम लोगों ने 5 से इंटू किया, 5/20 आ गया, न्यू रेशियो हो गया 695। न्यू पर्सन का रेशियो है 5, उसके लिए 37,500। तो जो फर्स्ट पार्टनर विक्रम है वो बोल रहा है कि मेरे को 6th रेशियो चाहिए। अरे भाई तेरे को रेशियो जब 6 चाहिए तो पैसे भी तो ज्यादा लाना पड़ेगा, तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने उसका अमाउंट फाइंड किया। सेम 5 रेशियो के लिए 37,500। सेकंड पार्टनर बोल रहा है मेरे को 9 रेशियो चाहिए, बहुत अच्छी बात है 9 रेशियो ले लो, पैसे ज्यादा लेकर आओ। एंड थर्ड वन को 5 रेशियो चाहिए, 5 रेशियो के लिए 37,500 उसने क्या किया स्टूडेंट लाया। ये इनका एडजस्टेड कैपिटल है, फाइनल कैपिटल है, तो फाइनल कैपिटल कहां पे जाना चाहिए, उनके लेजर में। और सेकंड इफेक्ट आप कहां लिखते हो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, तो हम लोगों ने उनके कैपिटल में लिखा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा। अब जो हमको पार्टनर्स के कैपिटल से बैलेंसिंग फिगर मिला एक्सेस पैसा, उसने बताया कि आप लोन से क्या करो, एडजस्ट करो। वही मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो 99% हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलता, और वहां से हम किसको ट्रांसफर करते, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। ये ओके स्टूडेंट, चलो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप प्लीज मेरे को चैट करके बता सकते हो, आप मेरे को कॉल करके बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।